हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो जैसे ही आप लोग मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होता है, आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को खरीदनी चाहिए, बुक्स कौन कौन से लेने चाहिए, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, प्रैक्टिकल्स में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ना, ड्रेसेस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं, सर लैपटॉप या टैब या फिर आईपैड की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो इन सारे चीजों का बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा वो सामान दिखाने वाला भी हूं जो मुझे एज सच फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस में जरूरत पड़ी थी और जो मैंने लिया था कॉलेज आकर भी। तो चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल लैब्स में आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में आप लोग सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों का डायसेक्शन हॉल में जाना पड़ता है, जहां पे कैडेवर की स्टडी होती है। आप लोग कैडेवर के स्टडी करने के लिए आपको एक डायसेक्शन किट की जरूरत होती है, वो अभी दिखाएंगे। मेनली मतलब आप लोग जो है ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, आप लोग पूरा देखते हैं, है ना, ऑर्गन्स देखते हैं, मसल्स देखते हैं, नर्व्स देखते हैं, सारी चीजें डायसेक्ट करके अपने सामने में देखते हैं। कुछ टीचर्स कराते हैं, कुछ आप लोग खुद से भी डायसेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को उस डायसेक्शन करने के लिए ये डायसेक्शन किट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ये डायसेक्शन किट है। इसमें मेनली जो है कुछ आपके स्कैल्पल है, कुछ सीजर्स है और कुछ फोर्सेप्स है, तो वो सारा चीज यहाँ पे है। रही कैंचियां है, राइट, सीजर्स है, स्काल्पल है, कुछ फोर्सेप्स है और ये स्काल्पल है। ये देख रहे हैं इसमें एक ब्लेड लगा होता है जिससे इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ये ब्लेड इधर से ओपन करने का है, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में ही लिया था, जो अभी तक रखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में जब जरूरत पड़ा था, स्काल्पल, सीजर्स एंड कुछ फोर्सेप्स जो आपके डायसेक्शन किट में होते हैं, जिसकी जरूरत होती है। मेनली एनाटॉमी में आपको इसी चीज की जरूरत है, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये डायसेक्शन किट आपका कहीं पे 1000 रुपए का, कहीं पे 1500 रुपए के आसपास में आएगा। इससे ज्यादा कॉस्ट आई थिंक नहीं हो सकता, 600-700 रुपए का भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, राइट। फिजियोलॉजी में बात करते, देखिये फिजियोलॉजी में आपको एक बहुत अच्छी चीज जो है, आपको एक स्टेथोस्कोप चाहिए। ये स्टेथोस्कोप है, देखिए स्टेथोस्कोप के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो भाई स्टेथोस्कोप बहुत हाई फाई मत खरीदिएगा, पापा का पैसा ज्यादा बर्बाद नहीं करना। जब कमाइएगा तब अपना अच्छा सा स्टेथोस्कोप लिटमैन वाला खरीद लीजिएगा, 7000-8000 मिनिमम कॉस्ट होती है लिटमैन का। ये मैंने लिटमैन का छोटा भाई एलिटमैन लिया है, एलिटमैन इनफैक्ट कह सकते हैं कि मतलब काम पूरा हो जाता है कोई एसेच। मैंने फर्स्ट ईयर में भी यही एलिटमेंट लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने घर में उसको गिफ्ट कर दिया, मतलब किसी को जरूरत थी तो फिर से मैंने एलिटमेंट ही लिया है, ताकि पेरेंट्स का भी पैसा ज्यादा खर्चा ना हो और मेरा काम भी निकल जाए। ये 1000 से 1500 रुपए का आता है, राइट, लेकिन काफी बढ़िया है एसेच। मैंने इसको यूज किया है फर्स्ट ईयर में, मैं इसी से यूज करता था। अभी इनफैक्ट फाइनल ईयर में हूँ, अभी भी मेरा इसी से काम चल रहा है। जब एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी तो इंटर्नशिप में ले लेंगे एक अच्छा सा एलिटमैन, राइट, जब थोड़ा बहुत पैसे आने लग जाएगा। तो ये एलिटमैन अभी मैंने रखा है, नाम आप लोग कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको स्टेथोस्कोप चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेथोस्कोप में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। और ये स्टेथोस्कोप आपको बीपी मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है। बीपी मेजर करने में इनफैक्ट दो मेथड होता है, एक तो ऑस्कल्टेटरी मेथड होता है, दूसरा पाल्पेट्री। पाल्पेट्री में जो हम लोग जो है पल्स को फील करके बीपी मेजर करते हैं, वो आप लोग सीखिएगा। और ऑस्कल्टेटरी मेथड में जो हम लोग साउंड सुनते हैं, राइट, तो ये आपका स्टेथोस्कोप का जरूरत पड़ेगा वहां पे। तो ये आपको लेना है। अब पता चल भाई बीपी मेजर करने के लिए बीपी मशीन तो होनी चाहिए, तो मैंने खुशी खुशी में बहुत ज्यादा जब एडमिशन हुआ था उसी टाइम पे एक बीपी मशीन भी मैंने खरीद लिया था। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये बीपी मशीन शायद मुझे 800 से या 900 के आसपास में मिला था, हिक्स का है, राइट, कोई बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का भी आता है। तो इसको स्पेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, यार लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये हिस्का है जो 700 से 800 के आसपास में आया था शायद जब मैंने लिया था। तो इनफैक्ट देखिए इसका एज सच आपको जरूरत, मतलब जरूरत तो है इसका, लेकिन आपको ये कॉलेज में जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल लैब में, तो प्रैक्टिकल लैब में भी बहुत सारे कॉलेज में इश्यू हो जाता है, तो आप यूज करेंगे फिर अपना सबमिट करके आ जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो एक फील के लिए बीपी मशीन खरीद सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज में मिल जाएगा, राइट।
लेकिन आगे के लिए भाई कभी इमरजेंसी पड़ जाए, घर में जरूरत पड़ जाए और आपको कोई बोले डॉक्टर साहब घर आए बीपी मेजर कर देंगे डॉक्टर साहब, तो आपको आपके पास में ये होना चाहिए, राइट, खरीद सकते हैं इसको। दूसरा आपको फिजियोलॉजी में ये देख सकते हैं, ये आप कुछ है ना, ये इसको हैमर बोलते हैं, ये इधर से ओपन भी हो जाता है। एक हैमर दूसरे टाइप का भी आता है लेकिन मेरे पास में ये है। हैमर का यूज मेनली आपका नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन में, जब आप फिजियोलॉजी लैब में होते हैं तब जरूरत पड़ती है, तो वहां पे नी रिफ्लेक्स वगैरह है ना, नी रिफ्लेक्स देख सकते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का रिफ्लेक्स देख सकते हैं। तो इधर ये हैमर यहाँ पे फिक्स करने का है और इधर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंटेड एंड है, तो इससे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लाइक एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो सारी चीजें आप लोग सीखिएगा। और एक ऐसा टॉर्च की जरूरत पड़ती है ना, इस टॉर्च की भी जरूरत पड़ेगी आपको बीच बीच में कभी कभी, तो ये टॉर्च ले सकते हैं। देखिए इसकी बैटरी भी बैठी हुई शायद हाँ है, तो ये टॉर्च आप लोग चाहें तो ये टॉर्च खरीद सकते हैं। और एज सच फिजियोलॉजी में मैंने क्या क्या बताया है कि स्टेथोस्कोप चाहिए और एक आपके पास में बीपी मशीन आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉलेज से लौट हो जाएगा। और मैंने ये हैमर का बता दिया, एक हैमर दूसरे टाइप का भी आता है तो वो आप लोग चाहे तो वो खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, मेनली टेस्ट ट्यूब और जो टेस्ट ट्यूब होल्डर वगैरह होता है, तो ये सारा चीज बहुत सारे कॉलेज में ही आपको एज सच मिल जाता है। शायद गवर्नमेंट वालों को नहीं मिलता होगा तो वो लोग खरीदते होंगे, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये सारा चीज आपको लैब में टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड टेस्ट ट्यूब्स जो आप बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करते हैं, तो यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, ये सब ग्लूकोज का टेस्ट करना है कुछ करना है, तो इसके लिए आपको ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह कॉलेज में ही मिल जाएगा। तो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ली, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। इसके साथ साथ मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा मेरे पास में एक थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैंने रखा है, और ये एक आपका इंची टेप है, ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आगे आपको जरूरत पड़ सकती है, जब आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से जो क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तब जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो एक बार ये देखिए, जो डायसेक्शन किट है उसका यूज फर्स्ट ईयर में ये मेनली, बाकी स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन और ये लाइट्स वगैरह और ये चीजें हैमर जो मैंने बताया, ये आपको सेकेंड फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपकी जब क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी तब भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप खरीद सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं। अब बुक्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना लिया है कि बुक्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो हो सकता है आपको कॉलेज से बुक्स मिल जाए, तो भाई कॉलेज में लेना कंपलसरी है तो वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज जो मेन बुक्स है वो मैंने एक अलग वीडियो में बता दिया है कि एनाटोमी में आपको बीडी चौरसिया, और उसके बाद में फिजियोलॉजी में आप एकेजन गाइडेंस शंभुलिंगम और इन सब बुक्स को गैनोम को ले सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में आप एक बुक सत्यनारायण इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो वो मैंने बुक्स की बता दिया, अगर आपको लेना है तो आप इन बुक्स से ले सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं भाई ड्रेसेस की, तो ड्रेसेस में देखिए बच्चे ज्यादा परेशान मत हुई आप लोग, जब कॉलेज में आइएगा तो उसकी कॉलेज की अगर ड्रेस अगर फर्स्ट ईयर में होती है, ज्यादातर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट ज्यादातर कॉलेज में होता है, तो अगर उसकी जरूरत होगी तो हो सकता है वो कॉलेज में मिल जाए या आपको सिलवा के ला सकते हैं, अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन अगर एक पर्टिकुलर आती है तो, अदरवाइज आपके पास में ये एप्रन होना जरूरी है। एप्रन ये भी आपको कभी कभी कॉलेज से मिल जाता है, अगर कॉलेज से नहीं मिलता है तो फिर भी आप एक अच्छा एप्रन अपने घर में बनवा सकते हैं, जिसकी जरूरत आपको पूरे एमबीबीएस लाइफ में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक एप्रन और नॉर्मल ड्रेस में आप शर्ट और पैंट बना सकते हैं, लड़कियां अपने हिसाब से वो लोग कुर्तियां पहनती है शायद, तो वो आप लोग ले सकते हैं, या फिर कॉलेज की तरफ से कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आता है तो वो, अदरवाइज आपको एप्रन की जरूरत होती है तो एप्रन अगर आप बना भी लेते हैं तो मीडियम साइज का एप्रन अभी बना सकते हैं। ये मीडियम साइज का एप्रन मेरे पास में है, जो मैं शुरू से ही मेरा फर्स्ट ईयर से ही ये मीडियम साइज ही चलता था, कुछ कुछ कॉलेज में लॉन्ग एप्रन चलता है जो नी तक के आसपास में आता है, तो अगर वो कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में तो वो कॉलेज में आपको मिल जाएगा या इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा तो आप अपने से बनवा सकते हैं, है ना। अदरवाइज जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग पहनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल एप्रन जो आपका जो मैंने दिखाया इस तरह का एप्रन आप पहन सकते हैं, तो एक एप्रन सिलवा सकते हैं, राइट।
तो यही सारी चीजें हैं जो आप फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस लाइफ में या एमबीबीएस में जब आते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बुक्स, क्योंकि आपको पास होना है पढ़ पढ़ के, तो बुक्स तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताया, स्टेथोस्कोप बताया, हैमर बताया है ना, मैंने बीपी मशीन बताया, ये फिजियोलॉजी के लिए जरूरत होती है। और उसके बाद में एनाटॉमी में आपका डायसेक्शन किट में भी मैंने ये सारा चीज दिखाया है, स्कैल्पल, कुछ सीजर्स और कुछ फोर्सेप्स हैं जो आपको ऐसे जरूरत पड़ती है। तो यही सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको कॉलेज से अलॉट हो जाती है, लेकिन जो मैंने ये दिखाया आपको ये आप लोग ले सकते हैं, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेंगी। ओके, सो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पे ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर। तो देखिए, बातों बातों में एक बात तो रह गया बताना आप लोगों का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट या फिर आईपैड की जरूरत होती है या नहीं होती है मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक कोई लैपटॉप, टैब या फिर आईपैड की जरूरत नहीं पड़ी है। इनफैक्ट मैंने मतलब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट्स का पैसा बचता है तो उसको बचाइए, है ना। बाकी मुझे इनफैक्ट मुझे बहुत सारी काम करना पड़, मतलब इसकी जरूरत कभी कभी महसूस होती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं तो मुझे एक मतलब अच्छा एडिट करने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, या फिर मतलब कुछ और काम करने के लिए, पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है और पड़ सकती है। बट फिर भी मैंने इस चीजों को बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं किया, मैं वीडियोस भी अगर अभी बनाता हूं तो नॉर्मल मोबाइल से शूट करता हूं और आप लोगों के लिए, लेकिन जब इंटर्नशिप में आएंगे या आगे पैसे कमाने लग जाएंगे तब ऑब्वियसली हो सकता है मैं एक लैपटॉप या टैब कुछ खरीद दूं। तो आईपैड या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन भाई कुछ लोगों के पास में है कि वो चाहते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना अपने लाइफ में और पेरेंट्स भी देना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड जैसे ऑनलाइन एप्स वगैरह आप लोगों को चलाना है तो वो मोबाइल में भी हालांकि चल जाती है लेकिन आपको स्क्रीन बड़ा चाहिए तो आप लोग खरीद सकते हैं। बट एज सच मैंने अभी तक देखा कि फाइनल ईयर तक मुझे इस लैपटॉप या टैबलेट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि मुझे जरूरत है, मैं चाहता भी हूं कि मैं खरीद लूं जल्दी से ताकि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस बना सकूं, उसको एडिट कर सकूं, है ना। लेकिन अभी तक मैंने नहीं खरीदा है, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहें तो लैपटॉप टैबलेट खरीद सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ लैपटॉप, टैबलेट या आईपैड ड्यूरिंग योर इंटायर एमबीबीएस कोर्स। बिना लैपटॉप टैबलेट के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं ना, अपने नोट्स बनाइए बुक्स वगैरह का यूज करके, और कुछ ऑनलाइन अगर कुछ देखना है, यूट्यूब वगैरह चलाना है तो आप लोगों के पास में मोबाइल तो है ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।